toes till I get up. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम क्लास 9 के बेसिक पर थोड़ा सा चलते हैं। तो हमारे इस नेचर में दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। इन दोनों ही चेंज को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि चेंज होती क्या है। तो चेंज क्या होती है, चेंज एक ऐसी एक्ट या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज डिफरेंट बन जाती है। तो चेंज इज एन एक्ट और प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम्स डिफरेंट। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज क्या बन जाती है, डिफरेंट बन जाती है, उसे क्या बोलेंगे, अपन चेंज बोलेंगे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज देखो क्या होता है, एक तरीके से कि फिजिकल चेंज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो बेसिक कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि जैसे हमने पानी से जब हमने बर्फ जमाया, पानी से हमने क्या जमाया, बर्फ जमाया, तो उसके फिजिकल चेंज में क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे हम बात करें, पानी पहले लिक्विड स्टेट था और बाद में हमने इसको बर्फ जमाया तो किसमें चेंज हो गया, वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। तो यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, वहां पर चेंज हो गया। लेकिन हम बात करें बेसिक कंपोजिशन की, तो बेसिक कंपोजिशन में वहां पर पहले भी पानी था, पहले भी H2O के मॉलिक्यूल थे और बर्फ में भी किसके मॉलिक्यूल थे, H2O के मॉलिक्यूल थे। तो कहने का मतलब है कि ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल अपीयरेंस बट देर इज नो चेंज इन इट्स बेसिक कंपोजिशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस का फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा लेकिन उसके बेसिक कंपोजिशन चेंज नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट देखो क्या है यहाँ पर, इट कैन बी रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे हम बात करें दोबारा, जब हमने पानी से जब बर्फ जमाया, पानी से हमने क्या बना दिया, बर्फ जमा दिया, लेकिन बाद में हम बर्फ से दोबारा पानी भी बना सकते हैं, तो ये क्या हो गई आपकी, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ठीक है, एक 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 पॉइंट और है इसके अंदर, इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म। कि फिजिकल चेंज के अंदर किसी भी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे हम दोबारा एक बार इसी को एग्जाम्पल को लेंगे, जब हमने पानी से बर्फ जमाया, ठीक है, पानी से हमने बर्फ जमाया, तो यहाँ पर किसी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बना है, क्योंकि इसमें अब पहले भी पानी में H2O के मॉलिक्यूल थे और बर्फ बाद में भी क्या थे, H2O के मॉलिक्यूल है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम, मेल्टिंग ऑफ आइस, जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि पानी से बर्फ जमाया, बर्फ से हमने पानी बनाया, तो मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा है बॉइलिंग ऑफ वाटर, समझ में आ गया फिजिकल चेंज। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उस ओरिजिनल सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। उसके बेसिक कंपोजिशन भी क्या होते हैं, वहां पर बिल्कुल ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। देखो, ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। अब बोलोगे सर ये हैविंग प्रॉपर्टीज कुछ समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है, जब हम कोई भी ओरिजिनल सब्सटेंस लेंगे, कोई भी हमने ओरिजिनल सब्सटेंस लिया और वहां पर जैसे ही चेंज हुआ, एक नया सब्सटेंस बना, तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है और एक जो नया सब्सटेंस है, उन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल कैसी होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इट कैन बी इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में दोबारा रिवर्सिबल नहीं होगा। ये कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार ओरिजिनल सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया, तो न्यू सब्सटेंस से दोबारा ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर का मतलब है जैसे हमने कागज को आग लगा दी, आग से क्या लग गई, जो कागज था वो राख बन गई, तो क्या राख से आप दोबारा पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी भी आयरन में जंग लग गई, जंग का मतलब जानते हो ना, रस्टिंग लग गई, तो वो दोबारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, उस रस्टिंग ऑफ आयरन से आप दोबारा आयरन नहीं बना सकते। दूध से दही बनना, जो हम डेली लाइफ में करते हैं, घरों में करते हैं, दूध से दही जमाते हैं, दही से दूध हम जमा नहीं सकते, दूध सॉरी
मिल्क से हम कर जमाते हैं, मतलब दूध से जब हम दही जमाते हैं तो दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो आप सोच रहे होगे सर ये केमिकल रिएक्शन, हमारा चैप्टर तो केमिकल रिएक्शन है, आप क्या फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पढ़ा रहे हो। देखो जो भी हमारे केमिकल चेंज होते हैं, जो भी केमिकल चेंज होंगे उसी के द्वारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। तो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, केमिकल चेंज इन ए सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज का होना ही क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अगर किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो इस केमिकल रिएक्शन में हम क्या करेंगे, कुछ चीजें लेते हैं, कुछ सब्सटेंस लेते हैं। तो सब्सटेंस को लेने के लिए जो सब्सटेंस होंगे रिएक्शन से पहले जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होंगे जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट लेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, अपन रिएक्टेंट बोलेंगे। देखो एक बार डेफिनेशन, द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन से पहले जो भी सब्सटेंसेस हम लेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। एक डेफिनेशन हो रहे द केमिकल सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, कि जो भी सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें भी क्या बोलेंगे, अपन रिएक्टेंट बोलेंगे। जो भी डेफिनेशन आपको सुटेबल लगे वो आप याद कर लेना, ठीक है। एक दूसरा है कि रिएक्शन हो जाने के बाद, मतलब आपने एक ओरिजिनल सब्सटेंस लिया, उस ओरिजिनल सब्सटेंस लेने के बाद जब आपने एक नया सब्सटेंस बना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो जब आपका एक नया सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को बोलेंगे अपन प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, अपन प्रोडक्ट बोलेंगे। कि जो भी आपका रिएक्शन का जो रिजल्ट आया, मतलब एक नया सब्सटेंस जब अगर बन जाता है उस नए सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, अपन प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको एग्जांपल समझते हैं, अपन एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे मान लो ए प्लस बी, अपन ने क्या बनाई, अपन ने ए और प्लस ए प्लस बी अपन ने कोई भी सब्सटेंस ले लिए, ठीक है। रिएक्शन से पहले अपन ने ए प्लस बी एक नया मतलब कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया, रिएक्शन हो जाने के बाद इसने बनाया सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी। रिएक्शन हो जाने के बाद इसने क्या बनाया, सी प्लस डी। तो ए प्लस बी को क्या बोलेंगे, अपन रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे रिएक्टेंट, क्योंकि हमने इसे रिएक्शन से पहले लिया, ठीक है। ये जो ए और ए प्लस बी जो है वो रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनेगा, उसे हमने क्या बोला, सी प्लस बी, सी प्लस डी। इसे क्या बोला गया, प्रोडक्ट बोला गया, क्या बोला गया, प्रोडक्ट बोला गया, ठीक है। तो आप इस पूरे जो भी नोट्स है उसको आप उतार लीजिए पहले, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जब रिएक्टेंट से जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, रिएक्टेंट से जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो हमें वहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन हमें पता लगाएंगे, कहने का मतलब है कि हमें कुछ चेंजेस देखने पड़ेंगे वहां पर, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक नया प्रोडक्ट बना है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए रिएक्शन टेकन प्लेस और नॉट, कि जब कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनकी मदद से हमें ये पता लगेगा कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो पहला चेंज क्या है, चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी केमिकल चेंज में स्टेट चेंज हो जाती है, कहने का मतलब अगर लिक्विड से वो सॉलिड बन जाए या और कोई भी स्टेट में अगर चेंज हो गया तो वो क्या होगी, वो एक केमिकल रिएक्शन होगी। दूसरा है चेंज इन कलर। मान लो आपने रिएक्टेंट आपने येलो कलर का लिया और रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो वो और कोई दूसरे कलर में बन गया, जैसे मान लो ग्रीन कलर का बन गया, तो जब कलर में चेंज आ जाएगा तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है, कभी कभी जब आप रिएक्शन कराते हो तो प्रोडक्ट जब बनता है, एक नया सब्सटेंस जब बनता है तो उसके साथ कुछ गैसेस क्या होती है, निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, कभी कभी कुछ दूसरी गैसेस भी वहां पर निकलती है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि जब हम कभी कभी रिएक्शन जब हम करवाते हैं
तो उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें टेम्परेचर को कम ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको मतलब मान लो कोई रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। किसी किसी रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर की आवश्यकता कम होती है, तो हम क्या करते हैं वहां पर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन जो है ये वो आपके एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर वन, वो आप पढ़ लेना आप किताब में, उसमें से जो क्वेश्चन उठा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या है क्वेश्चन, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि किसी भी जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जलाने से पहले, उसको जलाने से पहले हम उसको साफ क्यों करते हैं। देखो क्या होता है, मैग्नीशियम जो रिबन होता है, जो मैग्नीशियम जो होता है वो एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, दूसरे और मेटल के कंपैरिजन में उसकी जो रिएक्टिविटी टेंडेंसी जो होती है वो थोड़ी हाईली होती है। कहने का मतलब है कि वो एयर के कॉन्टेक्ट में आती अच्छी खासा क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, सो व्हेन इट इज केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। कहने का मतलब है कि वो क्या बना लेता है, वो एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। देखो इस तरह से एक मान लो एक मैग्नीशियम रिबन है, जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो एक तरीके से यहाँ पर क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा, क्या बना लेगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। ठीक है, तो क्या होता है जब ये लेयर बन जाती है तो हम इसको जब हम जलाते हैं तो ये अच्छी तरह जल नहीं पाता है। ठीक है, इसके जलने में प्रॉब्लम आती है, एक अच्छी खासी जो हम चाहते हैं वैसा ये जल नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको जलाने से पहले इसको क्या कर देंगे, साफ कर देंगे, जिससे कि ये अच्छा अच्छा खासा चल सके। तो देखो एक बार यहाँ पर, दिस लेयर प्रोटेक्ट मैग्नीशियम रिबन फ्रॉम बर्निंग, सो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन टू रिमूव दिस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है वो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कहने का मतलब है कि वो अच्छी तरह जल नहीं पाता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं जिससे कि वो जो अच्छी तरह जल पाए। ठीक है, उसके बाद है सो दैट इट कैन बी बर्निंग, जिससे कि वो अच्छी तरह जल सके। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, वैसे अपना जो केमिकल रिएक्शन थी वो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आगे अपन केमिकल इक्वेशन स्टडी करेंगे। लेकिन केमिकल इक्वेशन को स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है अपना, एटम। एटम क्या होता है, आपने एट्थ में भी पढ़ा होगा, नाइन्थ में पढ़ा होगा कि एटम क्या होता है। एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल, या हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, आपके एटम होता है। ठीक है, एटम एटम को कंबाइन करके जब हम कुछ चीज बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। मतलब एटम एटम को जब हम कंबाइन कर देंगे तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होते हैं, अगर दो एटम सेम तरीके होंगे, जैसे H और H हाइड्रोजन, मतलब H2O, तो वे क्या कहलाएंगे, आपके एलिमेंट कहलाएंगे। मतलब बात को, जब दो एटम सेम तरीके के होंगे तो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। और कंपाउंड क्या होंगे, कि जब एक से ज्यादा मतलब डिफरेंट एटम अगर होंगे तो क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे H मतलब H2 और ऑक्सीजन, तो क्या बन गया यहाँ पर, H2 हो गया। तो यहाँ पर कितने प्रकार के एटम है, दो, H और ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, एटम और एटम के बीच में, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम और एटम, जो दो तरह के एटम होते हैं, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उनकी वजह से एक बॉन्डिंग, दोनों एटम के बीच में क्या होती है, एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्ड को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। समझना ध्यान से इन दोनों कॉन्सेप्ट को, वैसे नाइन्थ में पढ़ चुके हो लेकिन दोबारा से मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो दो एटम होते हैं, उन दोनों एटम में एक एटम तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ध्यान सुनना, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है। कहने का मतलब क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। ठीक है, दूसरा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। कहने का मतलब एनायन बनाएगा उन दोनों, ठीक है, उन दोनों की वजह से एक बॉन्ड बनता है जिसे हम बोलेंगे
आयोनिक बॉन्ड, क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों की दोनों एटम, ठीक है, दोनों की दोनों एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उस शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, इसमें बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनता है यहाँ पर? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बॉन्ड कर लेना, क्या कर लेना? बॉन्ड कर लेना, ठीक है। क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। दोबारा समझा रहा हूं, आयोनिक और कोवेलेंट को। आयोनिक में क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, मतलब कैटायन बनाता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाता है, जिसे हम बोलते हैं एनायन। इन दोनों की वजह से एक बॉन्ड बनता है, जिसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों की दोनों एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे, जिसे बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद है आयोनिक बॉन्ड में, अभी मैंने बताया कि कैटायन भी बनाते हैं और एनायन बनाते हैं, तो इन दोनों की कुछ टेबल में आगे वाली स्लाइड में आपको अवेलेबल करा रहा हूं, क्योंकि कुछ कैटायन्स और कुछ एनायन्स जो कि हमें फॉर्मूले जब हम बनाएंगे तो उनमें हमें बहुत ज्यादा उनकी जरूरत पड़ेगी, तो आगे वाली स्लाइड में मैं आपको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर देने वाला हूं और कुछ कैटायन्स और कुछ एनायन्स की टेबल आगे स्लाइड में अवेलेबल करा रहा हूं। वो आपको बहुत जरूरी तरीके से आपको याद करनी ही करनी है, जब तक आप उसको याद नहीं करोगे आगे का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम फॉर्मूला, आगे वाली स्लाइड में हम थोड़ी सी फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को, आज के जो लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मैं आगे वाली स्लाइड में आपको वो दोनों की दोनों टेबल आपको अभी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूले कर लेते हैं हम कुछ। इस केमिकल फॉर्मूले को करने से पहले हमें वो टेबल देखनी पड़ेगी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, उस टेबल को आपको ढंग से याद कर लेना है, ठीक है। तो उस टेबल का यूज करते हैं, तो उसका यूज कैसे करेंगे, सपोज करो हमारे पास एक नेम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है, कैसे लिखेंगे, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जो जो कैटायन और जो जो एनायन आ रहे हैं उनको लिख लेंगे, मतलब कैटायन और एनायन के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है, और ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, O-2, ठीक है, मतलब -2 चार्ज होता है। अब देखो आपको क्या करना है, इस +3 और माइनस, जो यहाँ प्लस और जो माइनस है इनको भूल जाना है, और जो 3 है ये ऑक्सीजन के बॉटम में आ जाएगा और जो 2 है वो एल्यूमिनियम के बॉटम में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, Al2O3। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, Al2O3। इस तरीके से हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में भी हम क्या करेंगे, कैटायन और एनायन के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, Ca+2, ठीक है। कार्बोनेट में कितना चार्ज होता है, CO3 -2, ठीक है। कितना चार्ज होता है, -2। अब यहां पर देखो, यहां पर कैल्शियम केवल एक है, यहां पर लेकिन अलग अलग एटम है, यहां पर एक कार्बन भी है और एक ऑक्सीजन भी है। तो क्या करते हैं अपन, जब ठीक है, जब अपन इसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब इसका 2 इस कैल्शियम के नीचे आ जाएगा और इसका 2 इस कार्बन के नीचे आ जाएगा, तो देखो कैसे होगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, इस कैल्शियम के नीचे इसका 2 आ जाएगा। लेकिन जब कार्बन के नीचे कैल्शियम का 2 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ब्रैकेट में, इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि यहां पर अलग अलग एटम है, ठीक है। ये 2 आएगा जो कार्बन के होल ट्वाइस होगा और ऑक्सीजन का भी होगा, ठीक है। इसको कैसे लिख देंगे, Ca2CO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 2 क्या है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 अट गया तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप पर क्या करेंगे, इसको अलग अलग, मतलब वहां से 2 हटा देंगे, मतलब ब्रैकेट हटा देंगे। अगला देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम में कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है कैल्शियम में, कैल्शियम में +2 होता है, क्लोराइड में कितना चार्ज होता है, Cl- मतलब 1 चार्ज होता है,
ठीक है, तो इसका टू फ्लोरीन के बॉटम में और क्लोरीन का नेगेटिव किसके बॉटम में, कैल्शियम के बॉटम में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आ रहा बात को, बिल्कुल सिंपल है ठीक है। उसके देखो उसके बाद देखो एमोनियम डाइक्रोमेट, एमोनियम डाइक्रोमेट, एमोनियम कितना होता है NH4+, डाइक्रोमेट कितना होता है CrO7, कितना होता है Cr2O7, कितना होता है डाइक्रोमेट Cr2O7 होता है ये ठीक है। और चार्ज कितना होता है माइनस का 2 होता है, कितना होता है माइनस का 2 होता है। देखो इसका इसका जो चार्ज होगा इसके बॉटम में चल जाएगा और इसका चार्ज इसके बॉटम में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, तो क्या बन गया ये एमोनियम डाइक्रोमेट बन गया। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ मैंने यहाँ पर दे दिए, उनको आप कर लेना। इस तरीके से आज का पूरा जो लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम जो केमिकल इक्वेशन है उसको स्टडी करेंगे, किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे उसके बारे में भी वहां पर स्टडी करेंगे ठीक है। तो आपको इस सभी तरह के जो भी नोट्स मैंने दिए वो आपको अच्छी तरह याद कर लेने हैं ठीक है। उसके बाद अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।